नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता गुरुदेव भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको बताऊंगी गणगौर की व्रत कथा के बारे में। गणगौर का व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, इसे गौरी तृतीया भी कहते हैं। यह व्रत विवाहित महिलाएं पति का प्यार और स्नेह पाने के लिए करती हैं। इस व्रत को करने से कुंवारी लड़कियों को उत्तम पति मिलता है और सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। इससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। चलिए अब सुनते हैं गणगौर की कथा। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। इसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ आप इसकी चिंता मत कीजिए, उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीर कर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीर कर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर दो कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौटकर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई, परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया, मेरी भाभी ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करते हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिवजी के साले तथा सलहज आदि सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे दो दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तैयार ना हुए, वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठ कर अकेले ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ, पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गई। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा ना दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मा पुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु
विचर रहे थे। नारद जी वहाँ भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुँच कर वहाँ का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल्य सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाए, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संग मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आप देख पाएं। धन्यवाद।